अच्छा नीरज ये बताइए, सचमुच में बड़ा मेरे लिए सरप्राइज था कि जब तुमने सेकंड बार अपना किया तो तुमने विक्टरी के मूड में आ गए और एकदम विक्टरी तुम सेलिब्रेट करने लग गए। इसके पीछे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है, पूरी जानकारी लगती है तब संभव होता है, और खिलाड़ियों के संबंध में भी जानकारी होगी क्या हो रहा है, तो कैसे कैसे संभव हुआ? सर जब वो थ्रो में जो एफर्ट लगता है, क्योंकि इतने साल से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं उसी चीज़ के लिए, तो वो एफर्ट बता देता है कि हाँ ये बेस्ट थ्रो है। और सबसे बड़ी बात है जो कॉन्फिडेंस है वो ट्रेनिंग से आता है सर, ट्रेनिंग इतने अच्छे से हुई थी इतने साल, तो इसलिए कॉन्फिडेंस था। नीरज इतना नहीं है, क्योंकि तुम्हें ये तो मालूम है कि भाई तुम 85 जाओगे 86 जाओगे, तुम्हें मालूम है, लेकिन तुम्हें औरों का पता नहीं है तो 90 जाएगा कि 88 जाएगा कि 84 जाएगा। ऐसे में ये मिजाज, और तुम शायद अपने आप को कभी बैठ कर के सोचो, यानी एक मित्र के रूप में सुला देता हूँ, ठीक है तुम्हें नॉर्मल से कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परमात्मा की गिफ्ट है। कभी तुम्हारे मम्मी पापा ने मार किया होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि विजय तुम्हारे सर पे नहीं चढ़ता है, और दूसरा मैंने देखा है कि पराजय तुम्हारे मन में नहीं बैठता है। ये दोनों चीज़ें बहुत बड़ी है, और ये मैं तुम्हें जब भी तुमसे बात किया है हर बार बड़ा बैलेंसिंग चीज़ें देखी है, कुछ तो होगा जी। सर वो तो हमारा स्पोर्ट्स ऐसा है कि मतलब अपोनेंट पे निर्भर तो करता है, लेकिन हमें अपना बेस्ट देना होता है। मतलब हम फाइनल इकट्ठे खेलते हैं, 12 लोग होते हैं, लेकिन उन एथलीट्स के बीच में हमें अपने आप पे फोकस करना होता है, हमें बस अपना ही बेस्ट करना होता है। तो कोशिश यही करता हूँ कि दूसरे की परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान ना देके या उसकी परफॉर्मेंस को देख के नर्वस ना होके अपनी परफॉर्मेंस कैसे बेटर करनी है उस पर फोकस करूँ, और वही सर उसी के लिए पूरा अपना जोर लगाते हैं। और ओलंपिक्स में भी थोड़ा फील होता है पहले कि इतना बड़ा देश है, इतनी उम्मीद है, पर जब उधर फील्ड पे होते हैं तो बस यही होता है कि बस थ्रो करनी है, जितना जान है अंदर पूरी लगा देनी है। अच्छा ये चुरमा वुरमा खाया कि नहीं खाया? खाया था सर, सोफा होटल में। कब खाया अभी? आते ही वहाँ से। और एक बार खाना होगा। आप भी खाइए सर। मेरा क्या होता है, मैं इस चातुर्मास सिर्फ एक टाइम खाना खाता हूँ। थैंक यू सर। तो मेरे लिए बड़ी नियमों का इतना बड़ा पाबंदी रखता हूँ मैं। भाई सबको खिलाइए। हाँ लेकिन ये तुम्हारा चूरमा तुम्हें बहुत परेशान करने वाला है मान लो। एक मैं आज घटना सुनाता हूँ तुम्हें। वैसे आज अटल जी की पुण्यतिथि है। अटल जी जो पहले पार्टी का भी काम करते थे तो उनका जाना आना रहता था, तो कई परिवारों में खाना भी होता था, तो किसी परिवार में भोजन के लिए गए, तो बाद में मीडिया वाले पहुंच गए। अब जब भोजन किया तो उन्होंने बताया कि गुलाब जामुन बहुत अच्छे थे, तो मीडिया वालों को उन्होंने बता दिया कि गुलाब जामुन बहुत पसंद आए। अब वो खबर छप गई पूरे देश में, तो अटल जी जहाँ जाते थे वहाँ सब जगह पर गुलाब जामुन। वो बड़े तंग आ गए, उन्होंने कहा यार एक सर्कुलर निकालो कि अटल जी आएंगे तो गुलाब जामुन बंद दो, कुछ और भी खिलाओ। सर पर हरियाणा का चूरमा होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। हाँ वो खैर हरियाणा का अलग है, राजस्थान का भी अलग है, दोनों का अलग अलग रहता है। और तुम्हें तो माँ का चूरमा खाने की आदत है ना।